श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको कोई विशेष काम है और यह आप किसी को बता नहीं सकते हो, या कष्ट में हो, तकलीफ में हो, या कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई हो, हल निकल ही नहीं रहा हो, तो यह पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। इससे आपको निश्चित ही फल प्रदान होगा। पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ करना तो भोले बाबा आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। किसी किसी के मन में यह चलता रहता है कि हम व्रत कैसे करें, हमें तो कोई विधि भी नहीं आती है, पर वो व्रत करना चाहते हैं पर उनको नियम का पता नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताऊंगी। मैं ये वीडियो शुरू वाले गुरु जी की ही कथा से सुनकर बता रही हूँ, तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको कितने सोमवार करना है, तो आपको 5 व्रत करने हैं सोमवार के। इस व्रत की क्या विधि है तो सुनिए। सुबह की पूजा थाली में आपको सामग्री ले लेनी है। चंदन, गुलाल, अबीर, चावल, काली मिर्च, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, जो भी आप अपनी श्रद्धा से ले सकते हो ले लीजिएगा। इसमें आपको खास बात का ध्यान रखना है, एक लोटा जल, एक दीपक और भोग के लिए प्रसाद आपको ले लेना है। लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर और शिव जी से प्रार्थना करना है कि बाबा, मैंने आपकी कृपा से आज पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया है, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, बाबा मेरी जो भी मनोकामना है बाबा उसे जरूर पूर्ण करना बाबा, और कोई गलती हो जाए तो माफ करना बाबा। बाबा को यह सब कहने के बाद आप अच्छे से बोले बाबा की पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप सभी को उस थाली को वापस घर ले आना है और आप उस थाली को रख देना है। वही थाली आपको शाम को भी ले जानी है। सुबह के समय ही इतना समय ले लेना है कि शाम को भी आप पूजा कर सके, पूजा अच्छे से हो जाए। पंचामृत आपको चढ़ा देना है सुबह के समय पूरा। लोटे में से थोड़ा सा जल पंचा लेना है, शाम की पूजा में काम आए। अलग से आपको जल नहीं लेना है। शाम की पूजा में आपको 6 दीपक और घर पर बना मिट्टी का प्रसाद बना कर ले लेना है। प्रसाद में आप चाहे सीरा, चूरमा, खीर कुछ भी बना सकते हो। इस बात का खास ध्यान रखना है कि पहले दिन आपने जो प्रसाद बनाई है वही प्रसाद आपको 5 सोमवार बनानी है। शाम की पूजा थाली में 6 दीपक और प्रसाद ले लेनी है, और सामान तो सुबह से डाल रखा, आप उतना ही प्रसाद बनाए जितना कि आप मंदिर ले जा सके, इससे ज्यादा मत बनाना। और एक पात्र में डाल लेना और 2 पात्र साथ में ले लेना है, जिससे कि आप मंदिर में प्रसाद के 3 हिस्से कर सके। शाम के समय मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आपके पास जल है उसे शिवलिंग को छिंटा दे दीजिएगा। शाम को जल चलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो आप 6 दीपक लाए थे वो दीपक थाली से निकाल कर नीचे रख दीजिए। उसमें से 5 दीपक को जला दीजिए और 1 दीपक को मत चलाना। उसके बाद प्रसाद का 3 हिस्सा कर दीजिए, और उसके बाद जो चावल, अबीर, गुलाल, जो भी पूजा की सामग्री है भोले बाबा को समर्पित कर दीजिएगा। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दें, 1 हिस्सा अपने साथ ले लेना है, और जो आपने दीपक नहीं जलाया था वो दीपक भी आपको ले लेना है। उसके बाद घर में प्रवेश करने से पहले अपने मेन दरवाजे के बाहर बैठ जाइए और वो दीपक जलाकर आपने मंदिर में जो मनोकामना की प्रार्थना की है वही प्रार्थना अपने दरवाजे के पास में भी करनी है। यह प्रार्थना हर सोमवार को नहीं करनी है, पहला व्रत और आखिरी व्रत को ही करनी है। वो दीपक राइट हाथ की तरफ लगाकर अंदर प्रवेश कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले जो प्रसाद आप मंदिर से लाए थे वो प्रसाद ग्रहण करनी है। उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है। सबसे पहले प्रसाद लेने के बाद आप और भोजन कर सकते हैं। यह व्रत किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। बीच बीच में अगर कोई व्रत पड़ जाए आप यह व्रत छोड़ सकते हो, अगला सोमवार कर लेना, या रजोधर्म भी आ गया हो तो भी
कोई दिक्कत नहीं है, आप अगला सोमवार कर सकते हो, या आपके बीच में और कोई अड़चन आ गई हो और आपने सोमवार का व्रत नहीं हुआ हो तो आप अगले सोमवार को ये व्रत कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है उसका उद्यापन, और उद्यापन कैसे करना है तो चलिए जानते हैं। आपको रोज की तरह ही पूजा सामग्री ले जाकर सुबह शाम पूजा करनी है। इसके साथ में शाम के समय आपको एक नारियल, श्रीफल भी कहते हैं नारियल को, उसके ऊपर 11, 21, 101 अपनी श्रद्धा से आप दक्षिणा रख सकते हो। और इसके साथ में आपको लेना है 108 चावल। आप 108 चावल भी ले सकते हो, फूल गेहूँ जो कुछ भी आप ले सकते हो 108। उसके बाद में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक करके चढ़ा देना है। हाँ, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, आप नारियल जलाधारी पर मत रखना, और प्रसाद को आप जानते ही होंगे जलाधारी माँ पार्वती का हस्त कमल है, जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर वो गोल गोल जगह है, वहाँ पर आपको कोई भी सामान नहीं रखना है, चाहे लोटा केला सेब कुछ मत रखना, वहाँ पर रखने से हम पर भार आता है। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी, भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद आप ज्वल पसार कर बाबा को प्रणाम करें, श्री स्वाय नमस्कार बोलते हुए, और बाबा से कहना आपकी कृपा से यह व्रत पूर्ण हो गया है, बाबा बाबा मैंने अपनी पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ यह व्रत किया है, आप मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करना बाबा, मैंने सुना है आप 3 महीने में आप इच्छा पूर्ण कर देते हो, तो अपनी बेटी की भी प्रार्थना सुनना बाबा, यह प्रार्थना अपने मेन गेट के पास दीपक करते समय भी बोलनी है। आपने पूरे विश्वास के साथ व्रत किया है तो निश्चित ही आपको फल प्रदान होगा। अगर व्रत की पूजा विधि में आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का हल निकालूंगी। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। श्री शिव नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।